हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम ये जो छोटा सा डेरिवेशन है या क्वेश्चन मान लीजिए, इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। और इससे आगे के जो नोट्स हैं वो भी हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। तो आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस से दोगुनी होती है। यानी कि आपका जो पेपर है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर अथवा में आप एक तरीके से और देख लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक द्वारक ले लीजिए, यानी कि कोई भी मिरर ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे अवतल दर्पण लिया है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वाले यानी कि अवतल दर्पण लिया है। तो देखिए, यहाँ पे है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। तो देखिए, यहाँ पे हम इसका सेंटर है और जो ध्रुव है उससे होकर एक लाइन खींचेंगे, यानी कि इन दोनों को हम मिला देंगे, जिसको हमने मुख्य अक्ष बोला था, ठीक है। क्या बोला था? मुख्य अक्ष। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो मैंने बताई हुई है, ठीक है ना। जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको जितनी भी दर्पण से रिलेटेड जो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी वो मैंने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पर ये जो है ये हमारा मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश किरण यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आती है जो कि यहाँ इस पॉइंट पर टकराकर, जिसको पॉइंट पी दिया है उस पर टकराकर ये एक बिंदु पर यानी कि एक मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजर जाती है, जिसे हमने F बोला है। क्या बोला है? F, जो कि फोकस है, इसका अवतल दर्पण का फोकस है, ठीक है। और एक हमने सेंटर से एक लाइन भी ड्रॉ की है जिसको हम लंब बोल सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था ना कि लंब खींच दिया, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से लंब हो गया इसका, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और जब हम लंब खींचेंगे तो इसके दोनों तरफ यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है उन दोनों का जो एंगल होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो हम इससे देखिए, यहाँ पे परावर्तन के नियम से देखिए, R बराबर 2F है। मतलब समझिए कि जो R है, कैपिटल R है, वो क्या है? इस दर्पण की त्रिज्या है, यानी वक्रता त्रिज्या है, जो कितनी है? इस सेंटर से देखिए, यहाँ पे जो ये सेंटर है, यहाँ से और ध्रुव तक की दूरी है कैपिटल R, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पर है फोकस, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो त्रिज्या है उसका मिड पॉइंट है फोकस। तो इससे हम लिख सकते हैं ना कि R बराबर 2F होगा, यानी कि फोकस की दुगनी होगी कि नहीं त्रिज्या, ठीक है। तो इस तरीके से F बराबर क्या हो जाएगा? R बाई 2 हो जाएगा। इसमें ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा R बाई 2, ठीक है। और यही हमें इसमें सिद्ध करना था, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, ठीक है। फोकस की क्या होती है? दुगनी, जो कि यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया? R बराबर 2F, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है ये। तो एग्जांपल समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। देखिए, एग्जांपल ये है कि जब किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए वो जो मैंने फॉर्मूला बताया वो ओनली अवतल दर्पण के लिए नहीं, मतलब वो अवतल और उत्तल कुल मिला के वो गोलीय दर्पण के लिए वो फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ, जो कि कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको चाहिए क्या? आर, ठीक है। और मैंने आपको आर का फॉर्मूला क्या बताया था? 2F। बस आपको कुछ नहीं करना है, एफ की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आंसर आपके सामने, जो कि 16 सेंटीमीटर। 2 × F की जगह पे 8 रखा है, बस सिंपली 16 सेंटीमीटर इसके आंसर आ गए, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो कि 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी यानी कि जो ये क्वेश्चन था ना उसका बिल्कुल अपोजिट पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था R बराबर 2F, यहाँ पे वैल्यू दी है किसकी? वक्रता त्रिज्या, यानी कि R की वैल्यू दी हुई है। तो 40 बराबर हो जाएगा 2F, हमें चाहिए F, तो हम इस 2 को इसके भाग में लगा देंगे। तो जब भाग करेंगे 40 का, तो हमारे पास F बराबर आ जाएगा 20, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रखा है, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे।
आगे आपके सामने ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना, यानी कि जो ये टॉपिक है इसके बिना न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकते, ठीक है। यानी कि जो पिछले मैंने अभी आपको बताया वो तो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन इसके बिना न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा भाई, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इस चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ये टॉपिक है आपका चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसे इससे ही समझाना चाहूँगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, एक ध्रुव है हमारे, यानी कि जो द्वारक होता है वो है, कोई भी दर्पण मान लीजिए, उत्तल या अवतल किसी भी प्रकार का हो सकता है, यहाँ पे अवतल दर्पण लिया हुआ है। तो देखिए, इसकी मेन बात सबसे, यहाँ पे जो साइन होते हैं यानी जो चिन्ह होते हैं वो है यहाँ पे, तभी तो इस टॉपिक का नाम है चिन्ह परिपाटी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी। तो देखिए, यहाँ पे ये जो द्वारक है इसके लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड जितनी भी दूरियाँ ली जाएंगी, क्या बोला मैंने, दूरियाँ बोली है मैंने, यानी कि इससे इधर की साइड जो लेंथ ली जाएंगी, जो डिस्टेंस ली जाएंगी वो होगी नेगेटिव, और इससे राइट साइड जितनी भी दूरियाँ जितनी भी डिस्टेंस ली जाएंगी वो होंगी पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड जो ऊपर की साइड जितनी भी ऊंचाइयाँ ली जाएंगी, ऊंचाइयाँ वो होंगी पॉजिटिव, और जो नीचे वाली ऊंचाइयाँ होंगी यानी कि जो गहराई होंगी वो ली जाएंगी माइनस में, यानी कि ऋणात्मक ली जाएंगी भाई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, चलिए इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है, बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बिल्कुल इस बात को आप गांठ बांध लीजिए यहीं पे, कि ऑप्टिक्स, जब भी आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो आप बिंब रखोगे ना, बिंब का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिसका हमको प्रतिबिंब देखना होता है दर्पण में, ठीक है ना। तो जो बिंब होता है ना वो हमेशा बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, इस साइड पर रखा जाता है, ठीक है ना, यानी कि दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है हमेशा, हमेशा ध्यान रखना। यानी कि आप इससे क्या समझें कि जो बिंब की जो दूरियाँ ली जाएंगी ना हमेशा नेगेटिव होंगे भाई, ठीक है। बिंब की हमेशा जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, बिल्कुल सही बात है, कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियाँ होंगी, यानी कि या तो लेफ्ट साइड की दूरियाँ मान लीजिए या फिर राइट साइड की दूरियाँ, जितनी भी दूरियाँ होंगी वो इस ध्रुव से मापी जाएंगी भाई, ये नहीं कहीं से भी यानी कि बिंब से माप दिया ना, जितनी भी दूरियाँ होंगी इस ध्रुव से मापी जाएंगी, क्योंकि सेंटर तो यही है ना दर्पण का, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मेन है कि जितनी दूरी होंगी वो ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां माइनस, ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। तीसरा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां एक्स अक्ष के अनुदिश की बात कर रहा है, यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब ये जो है वो एक्स अक्ष है, ठीक है ना। जितनी भी दाईं ओर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाएंगी और बाईं ओर की दूरियां क्या ली जाएंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य अक्ष की फोर्थ पॉइंट है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपका डाउट भी होगा, क्लियर हो गया होगा कोई डाउट है जो, और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक ये है भैया गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, प्रतिबिंब निर्माण के नियम, इन नियमों के बिना दो, जो मैंने आपको जो गोलीय दर्पण के जो दो प्रकार बताए ना, एक तो अवतल और एक उत्तल, उनके जो प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियाँ हैं यानी कि जो उनके जितने भी प्रतिबिंब निर्माण हैं वो होंगे ही नहीं इस नियम के बिना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, यह गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है का मतलब ये है कि जब भी हम उत्तल दर्पण लेंगे तो आप जानते हो कि प्रकाश किरण यानी कि कोई वस्तु है वो बाईं ओर रखी रहती है, तो जब भी प्रकाश किरण आएंगी तो वो बिल्कुल फोकस से हुई जाएगी, तो फोकस से होकर दब जाएगी ना, क्योंकि फोकस तो इसका किस साइड है, राइट साइड है, ठीक है, यानी कि इस साइड है जो कि फोकस यहाँ पे है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रतीत होती है, इसलिए इसको डॉट डॉट करके लिखा जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। तो आपका पहला जो नियम है वो क्लियर हो गया होगा कि अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। सेकंड लॉ देख लीजिए, सेकंड है फोकसीय किरण। फोकसीय किरण का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है
तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि ये जो रूल है ना वो बिल्कुल पहले रूल के अपोजिट है। यानी कि पहले क्या आ रहे थे, इस नियम में क्या था कि जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से गुजर रही थी या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी, और यहाँ पे क्या है कि जो फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, तो बस इतना है। आगे देखिए, टॉपिक तो स्टार्ट होता है। आप तीसरा रूल देख लीजिए, अभिलंब किरण। अभिलंब किरण रूल है कि जब प्रकाश किरण वक्रता बिंदु या फिर सेंटर यानी वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर पुनः लौट जाती है, यानी कि सेंटर से ही गुजर जाती है वापस, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश किरण सेंटर से आएगी परावर्तित होगी और वापस इसी से चली जाएगी। ठीक है, ये है। आगे देखिए, फोर्थ है त्रियक किरण। त्रियक किरण इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र कौन सा है, द्वारक, यानी कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र कौन सा है, ध्रुव, इसको हमने पी से डिनोट कर रखा है, उस पर जब आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी कोण से उसी माध्यम में लौट जाती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश किरण आई, ध्रुव पर टकराई और वापस उतना ही एंगल, यानी मुख्य अक्ष जो है उससे उतना ही एंगल बनाते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, और ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी होता है, इन दोनों में सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब स्टार्ट होते हैं प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आपका काम ये है कि अब तक मैंने जो नियम आपको जो चार नियम बताए यहाँ तक वो आप क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपके जो प्रतिबिंब निर्माण है उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।